नमस्कार एंड एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अमेजन ब्लॉग्स में। टूरिस्ट के सेक्टर में बिहार पिछले कुछ सालों से बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और इसका एग्जाम्पल मुझे तुतला भवानी धाम के बारे में जानकर पता चला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि बाहर के लोगों को भी पता चले कि हाँ बिहार अब बदल रहा है। माँ तुतला भवानी एक प्राचीन मंदिर है, यहाँ लाखों के मात्रा में लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ये धाम जिला मुख्यालय से मात्र 25 किलोमीटर दूर कैमूर पहाड़ी के तलहटी पे है। इस जगह का चर्चा एक फ्रांसीसी ट्रेवलर बुकनान ने अपने ट्रेवल बुक में किया है। यहाँ पे आप माता की दो प्रतिमा देखेंगे, एक पुरानी और खंडित है बल्कि दूसरी बिल्कुल नई दूसरी बार स्थापित की गई है। मूर्ति के आसपास आपको बहुत से शिलालेख हैं जो कि शारदा लिपि में लिखे हुए हैं। माँ तुतला भवानी जहाँ पहले लोग पत्थरों का सहारा लेकर तुतला नदी पार कर उनके मंदिर में जाया करते थे और इस नदी को पार करते समय बहुत से घटनाएं हमने देखे हैं। बस यही सब चीज़ों पे बिहार टूरिज्म ने ध्यान दिया है और टूरिस्ट सब के सेफ्टी के लिए यहाँ एक केबल सस्पेंशन ब्रिज बनाया है जो कि टोटली लकड़ियों और सारे इको फ्रेंडली मटेरियल से बना है। इस मंदिर के साथ साथ यहाँ पे एक ऐसा अट्रैक्टिव चीज़ है जिसे लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, यहाँ का वाटरफॉल। और इस वाटरफॉल के पास पिकनिक मनाने के लिए लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। इस पूरे एरिया को इको फ्रेंडली मटेरियल से ही डेकोरेट किया जाएगा जो कि मेरे हिसाब से बिहार टूरिज़्म का बहुत बढ़िया फैसला है। तो ये था माँ तुतला भवानी का इतिहास और यहाँ से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन। अब आपसे मुलाकात होगी एक अलग वीडियो में एक अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करते रहें। जय हिंद।